वाराणसी से बड़ी खबर, काशी में तैयार परियोजनाओं की बनने लगी सूची, 19 से पहले आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी वर्गों की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर तैयार परियोजनाओं की सूची बनने लगी है। इस सूची को सीएम ऑफिस भेजा जाएगा, वहां से पीएमओ भेजकर पीएम मोदी से समय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद कमान संसद शुरू होने वाला है। पीएम मोदी काशी आकर 19 से पहले यह सौगात दे सकते हैं। यदि किसी कारण नहीं आ सके तो किसी अगले रविवार को कार्यक्रम बन सकता है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का 100 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। 100 मौसम बनारस आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का प्रगतिकरण देखा और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरी हो चुकी परियोजनाओं को सूचित पद करें सीएम कार्यालय भेजने का निर्देश दिया ताकि पीएम मोदी का समय लिया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशांत टीवी नेशन। वाराणसी शिवापुरी कपसेटी थाना क्षेत्र के कछवा बाबतपुर मार्ग पे कपसेटी गांव के कृष्णा ढाबा के पाल बस्ती के पास मंगलवार की दोपहर बाद तेज गति से कालिका धाम की तरफ आ रही एक अनियंत्रित कार सड़क के किनारे स्थित लालचंद पाल के टीन सेट में जा घुसी, जिसके चलते कार में सवार दुल्हन समेत 5 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। बता दें कि भदोही कोतवाली थाना क्षेत्र के रया गांव से कालिका बारा बाराड़ी गांव स्थित एक मंदिर पर बारात आई थी। वहीं लड़की पक्ष के लोग भी औराई थाने के महाराजगंज बसंतपुर गांव में उक्त मंदिर पर आए थे, जहां पांडा की शादी रानू उर्फ सोनम पुत्री स्वर्गीय डेंगूर के साथ संपन्न हुई। लड़की के विदाई के बाद जब उक्त कार से बारात वापस अपने गाँव जा रही थी तो उसी समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार चालक राजू कुमार शराब के नशे में धुत थे। घटना में कार सवार 18 वर्षीय सुमन देवी, 6 वर्षीय रानू, 18 वर्षीय आरती, 5 वर्षीय बच्चा कृष्णा समेत दुल्हन को भी चोट आई। सभी घायलों को भदोही स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजा तालाब में संपूर्ण समाधान दिवस की लोगों की फरियाद सुनी गई। आपको बता दें कि रोनिया राजा तालाब तहसील पर मंगलवार को जन समस्याओं को निस्तारण हेतु आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों का कुल 88 प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें मात्र एक प्रार्थना पत्र के मौके का निस्तारण हुआ। इस दौरान मौके पर SDM सिद्धार्थ यादव, तहसीलदार मीनाक्षी पांडे, CO सदर दारू द्विवेदी, अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।